हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज के सीआईएसएम वीडियो में चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं जो हम लोग कहते हैं कंट्रोल कैटेगरीज। ये कंट्रोल कैटेगरीज क्या होती हैं और इसको हमें कैसे समझना चाहिए विद रियल टाइम एग्जाम्पल, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 5 कंट्रोल कैटेगरी वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन इज़ ऑलवेज रिकमेंड कि आप समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। बट मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। ये ट्रिक होती है DDPCC, याद करने का तरीका है दूरदर्शन पर चाची 420। इसका एक सीक्वेंस भी है, वो सीक्वेंस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले डी का मतलब है डेटरेंट, दूसरा है डी का मतलब है डिटेक्टिव, उसके बाद आता है पी, पी इज एनी वे प्रिवेंटिव, और जो इसमें चौथा सी आता है दैट इज करेक्टिव, और लास्ट में जो सी है वो आता है कंपनसेटिव। तो ये 5 कंट्रोल्स हैं जो हम लोग को समझने हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए नेट पे ट्रेनिंग्स बुक दुनिया भर जगह पे इसके बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट कंफ्यूजन भी उसी लेवल पे होता है। डिटेक्टिव है कि प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव है कि करेक्टिव है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन गलत इसलिए नहीं होता है कि आपको पता नहीं है, क्वेश्चन ये गलत होता है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है और दो ऑप्शन में से एक गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए, देखिए मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, आपको पसंद आए तो आप करिएगा। मैंने इसको रियल टाइम एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करी थी, और दूसरा मैंने ये भी देखा था कि ये मेरे आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेरे आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पे फिट हो रहा है। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की स्टोरी है और एक मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे कहाँ पे फिट हो रही है। तो इसको समझाने के लिए बेसिकली मैं आज आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, और बाय द वे अभी मेरे सीआईएसएम के जो और भी वीडियोस बन अभी पाइपलाइन में, वो उसमें भी मैं अभी स्टोरीज के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बुक इज समथिंग जो आप पढ़ेंगे, बट अगर आपने ये वीडियो पहले देख लिया तो वो स्टोरी सुनने के बाद आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार यही तो कहानी सुनाई थी। तो ये मैं आपको कहानी की तरह सीआईएसएम का कंप्लीट रिव्यू मैनुअल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूँ काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका अब तक, आप हमारे पिछले वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो कंट्रोल है वो मैं लेता हूँ, उसका नाम है डिटरेंट कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको 2 स्टोरी सुना रहा हूँ। पहली स्टोरी का मतलब रहता है जहाँ पे मैं आपको इंडिया चाइना के जो इश्यूज चल रहे हैं बॉर्डर का, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और दूसरा जब मैं एग्जाम्पल बोलूंगा तो आप ये समझिएगा कि मैं अपने आईटी एनवायरनमेंट में मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब जितना रहता है ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि हर बार मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करके मैंशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए डिटरेंट कंट्रोल क्या होता है। देखिए इंडिया के बॉर्डर पे भी एक साइन ऐसा कुछ लगा होगा, चाइना के बॉर्डर पे भी एक साइन लगा होगा, एक बोर्ड लगा होगा कि भाई दिस इज माई टेरिटरी, दोनों लोग ने लगाया होगा, जिससे अगर कोई उस बॉर्डर को गलती से क्रॉस करने की कोशिश करता है देन ही शुड गेट सम काइंड ऑफ ए वार्निंग कि भाई दिस इज माई टेरिटरी, तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा। सिमिलरली आप बैंक में जाते हैं, आप एटीएम में जाते हैं, वहाँ पे भी बोर्ड लगे रहते हैं कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, दीज आर डिटेरेंट कंट्रोल। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, बैनर्स लगे होते हैं, बैनर्स में भी अगर किसी काइंड ऑफ ए वार्निंग दी हुई है कि ठीक है आगे जा करके आपको शार्प राइट लेना है, गाड़ी की स्पीड स्लो करिए, ये सारे डेटरेंट कंट्रोल हैं जो आपको किसी भी तरीके की हानि होने से पहले आपको एक वार्निंग मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या है, डेटरेंट कंट्रोल कैसा हो रहा है, डेटरेंट कंट्रोल हमेशा कोई थ्रेट जिसके होने की संभावना है भी और नहीं भी है उसको एड्रेस करता है। तो डेटरेंट कंट्रोल बेसिकली एक वार्निंग साइन है, वो आपको प्रिवेंट करता है आगे कोई भी हरकत करने से पहले। ठीक है, पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज होने से पहले।
तो ये हो गया हमारा, हम लोग का जो रोजमर्रा का सिनेरियो में। नाउ कमिंग बैक टू एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू में जैसे मैंने बताया हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे हम लोग लॉग इन स्क्रीन करते हैं तो वहाँ पे वो मैसेज आता है कि यू आर नाउ इन अवर नेटवर्क और यहाँ पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो आपको एक वार्निंग देती है कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पे गलत हरकत करने की कोशिश करी, आपने कोई डेटा पास किया जो विच इज़ नॉट सपोज टू बी डू, और ये कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है पॉलिसीज़ में जो यूज़र के साथ शेयर करी जाती है, ये मिलता है प्रोसीजर्स में, स्टैंडर्ड्स में, गाइडलाइन में। और बाय द वे ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ना, अगर आपको ये नहीं क्लियर है दोस्तों प्लीज़ अटेम्प्ट मत करिएगा एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी चाहिए, आपको समझ अगर कुछ भी डाउट है इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मैं एनीवे अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, ये सब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, व्हेन वी आर सपोज टू से समथिंग, व्हेन इट कम टू पॉलिसी और गाइडलाइन स्टैंडर्ड, इसका क्या एग्जाम्पल है वो सब आपको समझना चाहिए। एनीवे सो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये आता है आपका डिटेरेंट कंट्रोल में। ठीक है, तो ये आ जाता है डिटेरेंट। अब ये कि यहाँ पे क्या हुआ, वार्निंग दे दी गई भाई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वार्निंग के बाद भी हरकतें होती हैं, अटेम्प्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं। देन अटैक हुआ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, रिएक्ट करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जो डिटेक्ट करे, दैट्स वाई डिटेक्टिव कंट्रोल कम इन टू द पिक्चर। अब देखिए जैसे ही अगर एग्जाम्पल नंबर वन में अगर कोई अटेम्प्ट होता है, कोई अगर हमारे बॉर्डर में आने को कोशिश करता है, देन इट गॉट डिटेक्टेड, देन उसके बाद जो एक्शन होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट डिटेक्शन हुआ। सिमिलरली अगर मैं अपने एग्जाम्पल टू में बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, डिटेक्शन कहाँ पे होता है, ऑडिट ट्रेल्स में होता है। जब हमारा ऑडिट ट्रेल्स में डेटा आ रहा है एंड देन वी सडनली फाउंड कि देयर इज समवन हु इज नॉट सपोज टू बी लॉग इन इन टू दिस सिस्टम, बट ऑडिट ट्रेल में आया कि यार ये बंदे का होस्ट नेम और जो यूज़र आईडी है दैट इज़ नॉट इन अवर एक्टिव डायरेक्टरी, और वो आ जाता है, देन डिटेक्ट होता है। उसके बाद के जो एक्शन होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रेमिडिएट, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहाँ पे डिटेक्शन हुआ। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, कैमरा साइन नहीं बोल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है, वो रोकेगा नहीं, प्रिवेंट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं सारी चीज़ें रिपीट करके अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरा कभी भी प्रिवेंट नहीं करेगा, केवल डिटेक्ट करेगा। हाँ, अलर्ट भेज सकता है और उसके अलर्ट के बेसिस पे नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, बट वो खुद से रोकेगा नहीं किसी व्यक्ति को, दैट इज डिटेक्टिव कंट्रोल। और डिटेक्टिव कंट्रोल हमेशा तभी कंसीडर किया जाता है जब वायलेशन अटेम्प्ट हो चुका हो। ठीक है, पहले उसको वार्निंग दिया गया, उसके बाद अगर डिटेक्टिव कंट्रोल ने अगर उसको पकड़ा देन दैट मीन्स वायलेशन अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, वायलेशन अटेम्प्ट हुआ, अब तुरंत आपको प्रिवेंट करना उसको कि हमारे पास जो भी मैकेनिज्म है हमारा ज़्यादा कम से कम इम्पैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिवेंट करें। तो उसके लिए हमारा तीसरा कंट्रोल आता है जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, मतलब सैनिक जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे या जैसे भी उनका जो मैकेनिज्म है, दे स्टॉप समवन टू इंटरिंग इंटू अवर लैंड, तो वहाँ पे आता है हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल, मतलब वो वायलेशन या जो अटैक होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो रोक लेंगे, देखिए प्रिवेंशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और नॉर्मली घर में कोई ना आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉर्डर पे एक हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, बाउंड्री हमारी कितनी फिट होती है, नॉर्मल घर की बात करूँ मान लीजिए 6 फिट की हो जाती है या 7 फिट की हो जाती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उस बाउंड्री कोई फान नहीं सकता, मान सकते हैं। तो प्रिवेंटिव का जब कभी भी मीनिंग आता है या जब कभी भी ये टर्म आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिवेंटिव अप टू सर्टेन डिजायरेबल लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो प्रिवेंट करेगा, उसके बाद प्रिवेंट नहीं होगा।
घर में घुसने के लिए दरवाजा है, बट दरवाजा आपको प्रिवेंट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि दरवाजा टूट नहीं सकता, दरवाजा टूट सकता है, ठीक है, तो वो प्रिवेंट करेगा, बट अप टू सर्टेन डिजायरेबल लिमिट। एक व्यक्ति शायद ना तोड़ पाए, बट अगर 10 लोग अटेम्प्ट करेंगे तो शायद वो टूट जाए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमारे यहाँ अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, हमारा एग्जाम्पल आ सकता है SOD, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये भी एक लिमिट तक ही आपका रोकेगा, बट यस इफ देर इज एनी मेलेशियस एक्टिविटी हैपन देन SOD में ऑल्सो गेट मेल फंक्शंस। और डेटा हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं या हम लोग डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, तो हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। अब इनक्रिप्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मानिए हम लोग इनक्रिप्ट कर रहे हैं 64 बाइट में, बट नाउ डेज 128 इज रिकमेंडेड। तो 64 बिट में भी हमारा एक, हम लोग क्या करें, प्रिवेंट कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति शायद उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, बट इट्स वेरी इजी फॉर एन हैकर टू डिक्रिप्ट। सिमिलरली 128 में एज ऑफ नाउ सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स, बट मे बी उसके भी मैकेनिज्म आ सकती हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल वेयर प्रिवेंटिव इज जस्ट प्रिवेंटिंग द इम्पैक्ट, कि कम से कम इम्पैक्ट हो, ठीक है, आपको ये लॉजिक समझना होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका आता है फ्रॉड प्रिवेंशन। मान लीजिए किसी वेबसाइट से आप ऑर्डर परचेज कर रहे हैं, बट उसमें देखने कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, लोग सही सामान लेते हैं, बाद में उसको रिटर्न करते हैं, और जब रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा सामान भेज दे रहे हैं, ये सारे फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल। तो उसमें भी फ्रॉड प्रिवेंशन टूल्स रहते हैं, जो ये पूरा किसी यूज़र का अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको मॉनिटर करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे मे शो कि ठीक है इस यूज़र को ब्लॉक करो, और मे बी वी कैन नॉट अलाउ COD फॉर दिस यूज़र। तो वो सारे नेक्स्ट स्टेप आते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव। अब ऐसा नहीं है कि वो यूज़र को ब्लॉक कर दिया है तो उसके बाद वो ऑर्डर नहीं कर सकता। यस ही कैन आस्क हिज फ्रेंड टू ऑर्डर फॉर हिमसेल्फ, और मे बी ही कैन क्रिएट अनदर अकाउंट, उसके भी तरीके होते हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर पकड़ते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। प्रिवेंटिव का जब भी वर्ड आए, आई एम रिपीटिंग अगेन, हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिवेंटिव अप टू सर्टेन डिजायरेबल लिमिट, ठीक है। अब प्रिवेंट हो गया, उसके बाद आता है करेक्टिव। मान लीजिए एक डिजायरेबल लिमिट होने के बाद भी अटेम्प्ट हुआ और कुछ नुकसान हुआ, तो उस केस में आपका आता है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल मतलब, जैसे मान लीजिए कोई अटेम्प्ट हुआ, सामने वाले जो भी सेना थी, ये हमारे एग्जांपल वन में, वो इंडिया में आने का ट्राई करती है, तो करेक्टिव कंट्रोल में उसने मान लीजिए कुछ नुकसान पहुंचाने का कोशिश की, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ने भी उस पर अटैक किया या उन लोग को रोकने की कोशिश करी, या इंटरनल हम लोग ने उनकी टीम, उनके जो भी बॉस लोग से, उन लोग से बात करी, हम लोगों ने करेक्टिव एक्शंस लिए। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए कुछ अटेम्प्ट होता है जहाँ पे कुछ डेटा मान लीजिए हमारा लॉस हो जाता है या कोई साइट बैठ जाती है, तो उस केस में हमारे पास बैकअप एंड रिस्टोर मैकेनिज्म रहता है, जहाँ पे हम लोग का जो डेटा रहता है अगर लॉस भी हो जाता है देन वी कैन रिस्टोर दैट। और क्या हो सकता है, करेक्टिव में मान लीजिए कोई एरर आ रही है, सो वी हैव सम मैकेनिज्म वेयर वी कैन फाइंड आउट दैट एरर एंड रिमीडिएट। वी हैव सर्टन फाइल्स, अगर वो करप्ट हो जाती हैं देन वी कैन हैव सम बैकअप फाइल्स, वी कैन रिप्लेस एंड एटलीस्ट वी कैन सस्टेन अप टू सर्टन लिमिट। उसके अलावा देर आर एक्टिविटीज गोइंग ऑन व्हाट वी कॉल्ड एज ए पैचिंग। हमारा करेक्टिव में भी पैचिंग आता है, जैसे हमारे पास एक क्वार्टरली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं वेयर वी नो यस दिस वीकनेस इज़ देयर। कोई ज़रूरी नहीं है कि करेक्टिव एक्शन हमारा अटेम्प्ट अटैक होने के बाद ही हो, यस वी हैव इफ़ वी नो दैट देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी विच वी नीड टू फिक्स इट, हमारे पास पैचेस रिलीज होते रहते हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर OS, तो वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं, दैट्स वाई वी आर कीप करेक्टिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, सो दैट कम्स अंडर करेक्टिव कंट्रोल्स। अब आता है लास्ट कंट्रोल, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी कंट्रोल। कंपनसेटरी कंट्रोल इटसेल्फ मींस, अगर आप देखिए कि देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई रीजन, सो हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास जो एसेट है वो एटलीस्ट सिक्योर रहे अप टू सर्टेन लिमिट, कि जो उसका रिस्क है वो हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट में हो।
उसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ओएस है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हम लोग उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बट उसमें जो एप्लीकेशंस हैं दैट इज़ वर्नेबल, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देयर मस्ट बी सम कंपेटेंसी कंट्रोल की पहली चीज़ थी कि वो ओएस का एप्लीकेशन तक जाने का रास्ता ही अगर हम लोग ब्लॉक कर दें तो वर्नेबिलिटी होने के बावजूद भी इस वेरी टफ और नॉट पॉसिबल टू डू समथिंग। सो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं भाई देखिए आपका ये सर्वर है ये वर्नेबल है, ठीक है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास फायरवॉल्स हैं, हमारे पास पूरा एसओसी स्टेब्लिश है, 24 आवर्स मॉनिटरिंग है, नेटवर्क ट्रैफिक हम लोग का है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ये सारा है एंड व्हाट वी आर डूइंग 24/7। सो दैट्स व्हाई इवन वल्नरेबिलिटी इज देयर, वीकनेस इज देयर इन अवर सिस्टम, बट वी कैन से दिस इज सिक्योर। बट इस केस में मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ अपने टॉपिक से, ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म ही हो गया जो 5 कंट्रोल बता रहे थे, बट मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि मैं आपसे आपसे शेयर भी करूँ। इस केस में एक प्रोसेस होता है एक्सेप्शन मैनेजमेंट प्रोसेस, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक्सेप्शन मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है जहाँ पे हम लोग इस सर्वर का या इस सिस्टम का या इस एप्लीकेशन का जो वर्नेबिल है बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी आर नॉट मेकिंग इट फिक्स्ड, वी आर कंसिडरिंग दिस एज ए वर्नेबल सर्वर और उसका हमें एक्सेप्शन लेना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपनसेटिंग कंट्रोल जहाँ पे हमारी वीकनेस है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंपनसेट दैट वीकनेस। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल फॉर डिटरेंट प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव एंड कंपनसेटिंग कंट्रोल का। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो इस बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 188 पे। ये नॉलेज चेक कंट्रोल कैटेगरीज हैं, तो ये जो इन्होंने कैटेगरीज दी हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और चलिए इसको एक बार देख लें। पहले इन्होंने बताया है ऑडिट ट्रेल। अब ऑडिट ट्रेल मतलब वो हुआ कि हमने कोई 10 एक्टिविटी करी, मैंने फलाने जगह पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने सेकंड क्लिक किया, फिर मैंने कुछ इंटर किया, फिर मैंने फिर डिलीट मारा, ये सारी चीज़ें हमारी लॉग्स में आ रही हैं। ऑडिट ट्रेल में ये सारा स्टेप्स लॉग हो रहा है और जब हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं देन वी गॉट टू नो कि यस देयर इज समथिंग एक्टिविटी हैपन इफ यू आर नॉट सपोज टू बी डन और वॉट एवर। तो ये क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस ऑडिट ट्रेल हेल्प टू डिटेक्ट कि गलती कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ऑडिट ट्रेल प्रिवेंट नहीं कर रहा है, जो हो रहा है वो होने देगा, ऑडिट ट्रेल लॉग में केवल डिटेल आ रही है और उसके बेसिस पे वी डिटेक्ट। एक चीज़ और देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे दिया जा रहा है, ठीक है, ऑडिट ट्रेल से प्रिवेंट नहीं हो रहा है, आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये डाउट रहता है लोगों को, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ऑडिट ट्रेल हो गया। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए बिजनेस में मान लीजिए 2 करोड़ का मान लीजिए कोई एसेट है, अब आपको ये देखना है कि अगर वो उसमें कुछ भी इशू हुआ तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं कंपनसेट कर रहे हैं, मीन्स आप उसका रिस्क है या आपको पता है, बट समहाउ देर आर चांसेस कि अगर वो रिस्क मिटिगेट नहीं हुआ या रिस्क अटेम्प्ट हो गया या रिस्क एक्सप्लॉइट हो गया उस केस में आपका नुकसान कम से कम हो, उसके लिए आपने एज ए कंपनसेटरी कंट्रोल आपने इंश्योरेंस लिया था। ये आ जाता है मेरा सेकेंड एग्जाम्पल में, दैट्स वाई इज कमिंग एज ए बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस एज ए कंपनसेटरी कंट्रोल। थर्ड आ जाता है डेटा बैकअप, ये मैंने एक्सप्लेन ही किया था कि अगर कोई डेटा लॉस होता है देन यू हैव सम करेक्टिव कंट्रोल्स जो आपके हेल्प करेगा डेटा को रीस्टोर करने में, तो आपका ऐसे करेक्टिव कंट्रोल्स में आ जाता है, दैट्स व्हाई डेटा बैकअप और डेटा रीस्टोर इज कंसिडर एज ए करेक्टिव वन। नेक्स्ट आता है डेटा लीक प्रिवेंशन, ये भी आपका डीएलपी जो रहता है ये आपका प्रिवेंट करता है, ठीक है। बहुत सारे डीएलपी के टूल्स आते हैं जो कुछ अटैक्स होते हैं तो उनको होने से पहले ही वो रोकता है, या कुछ डेटा अपने यहाँ आ रहा है विच वॉज सम सीम्स टू बी मेलवेयर, या हमारे यहाँ से कुछ सेंसिटिव डेटा विच आर नॉट सपोज टू बी ब्रॉडकास्टेड और नॉट सपोज टू बी गो आउटसाइड ऑफ दैट इन्वायरमेंट, वो भी हमारा टूल रोकता है, तो दैट वाई दीज आर कंपनसेटिंग कंट्रोल, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हो नहीं था, होता नहीं है, हो जाता है बट कंपनसेट कर रहा है, दैट्स व्हाई डीएलपी इज कंसिडर एज ए कंपनसेटिंग कंट्रोल। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग होने से देखिए क्या फ़ायदा होगा, ट्रेनिंग हुई तो आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो हियर वी आर प्रिवेंटिंग, मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट या कोई भी गलत काम करने से पहले उसको रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग इज कंसिडर एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। एरर करेक्शन, ये नाम से खुद ही पता है कि कोई एरर आई है, अब उसको करेक्ट कर रहा है कोई कंट्रोल, ठीक है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल मैंने करेक्टिव कंट्रोल को बताया था, जैसे पैचिंग रहता है अपना, ठीक है, पैचिंग एक्टिविटी जो रहती है। फिर आता है एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये भी हमारा प्रिवेंट करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई रिक्वेस्ट दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर रहा है, देन दैट विल बी गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज एक ही व्यक्ति रिक्वेस्ट दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी को दूसरी साइड जाकर दूसरे सिस्टम में लॉग इन करके अगर उसको अप्रूव कर दे रहा है, देन दैट इज़ अ ब्रीच। दैट्स वाई ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि अटेम्प्ट ही नहीं होने दे रहा है, वो रोक रहा है। एस ओ डी इज ऑल्सो कंसिडर एज ए प्रिवेंटिव कंट्रोल। नेक्स्ट आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, नेम इटसेल्फ इज सेइंग डिटेक्शन, दैट मीन्स दिस कम्स अंडर डिटेक्शन, ये आईडीएस हमारा डिटेक्शन में आता है। देन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस साइन, यहाँ पे साइन बोर्ड की बात करिए, साइन मतलब बोर्ड, बोर्ड मतलब वार्निंग, अगर वो वार्निंग की बात कर रहा है तो कौन सा आ जाएगा, डिटेरेंट कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजर पॉलिसी, एज आई सेड पॉलिसीज प्रोसेस प्रोसीजर गाइडलाइन स्टैंडर्ड, ये सारे हमारे डिटेरेंट कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने स्टोरी के शक्ल में आपको अटेम्प्ट किया कि समझाऊं तो शायद आपको समझने में आसानी रहेगी। बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, अगर कोई अभी भी डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा पूरा। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।